जैसा कि शाही सर ने बड़ा अच्छा बताया आपको कि बैलेंस डाइट आप समझते हो कि जिसमें प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स सब कुछ हों, जिसके बीच में कार्बोहाइड्रेट्स, समझ रहे हो। लेकिन होता क्या है कि हमारे जब हम टिफ़िन लाते हैं, उस टिफ़िन में हमें एक ही सब्ज़ी मिल सकती है, क्योंकि हमारे घर में 10-10 सब्ज़ियाँ कभी नहीं बनती, इसलिए एक ही सब्ज़ी मिलती है। तो उस एक सब्ज़ी के कारण हमारा पूरा न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता। तो अब इसका जो हल है वो आपके पास ही है कि अगर आप चाहते हो कि आप एक दिन में 5 सब्ज़ियाँ खाएँ या 10 सब्ज़ियाँ खाएँ, तो वो भी आप खा सकते हो स्कूल में बैठे बैठे। उसका एक ही छोटा सा आपको एक्टिविटी करनी है कि आपको शेयरिंग का कंसेप्ट सीखना है। शेयरिंग का मतलब कि आप अपनी क्लास में 5-5 फ्रेंड्स बना लो। जब भी आप खाना खाओ तो 5 बंदे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपको सूटेबल करता है, 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाओ। उसमें अगर मान लीजिए एक बच्चे ने टिफ़िन में लाए आलू, दूसरे ने पनीर, तीसरे ने न्यूट्री, चौथे ने कोई दाल लाई, तो जब आप सारे बैठ कर शेयरिंग करोगे तो आप सभी को 5 या 6 सब्जियाँ एट ए टाइम मिल सकती हैं। तो ये आपका एक एक्टिविटी रहेगी। इस एक्टिविटी के ज़रिए हम न्यूट्रिशन डाइट ले सकते हैं, ना कि घर वालों को जाकर आप तंग करो कि मुझे 5 सब्जियां बना के दो। तो ये एक्टिविटी आपके लिए अच्छी है। इससे क्या होता है कि जब हम इकट्ठे बैठते हैं, शेयरिंग होती है, प्यार बढ़ता है और रिस्पांसिबिलिटी बढ़ती है और एक दूसरे के प्रति हमारी जो है वो मोहब्बत बढ़ती है। तो हम केयरिंग का, इससे शेयरिंग से केयरिंग आती है, समझे। अब मुझे पता है ज़्यादा टाइम हो गया। तो सेकंड जो है यहाँ पर, कि आपने देखा कि जब भी मैं यहाँ पर सुबह, आज मॉर्निंग असेंबली हो रही थी ना, और रियल में ऐसे लग रहा था कि जैसे आप रियल में जैसे रूह नहीं जुड़ती रब से, वैसे यहाँ पर मुझे नज़ारा दिखा आज। जैसे यहाँ पर फारूक सर बोल रहे थे और आप बच्चों को मज़ा आ रहा था ना आज। ये होता है कि आप, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग असेंबली का पीरियड जो होता है, ये होता है रब को याद करने वाला। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो भगवान को याद करके जब हम काम करते हैं जो सच्ची श्रद्धा से, फिर हमारा पूरा दिन जो अच्छा निकलता है। तो ये मैं बड़ी देर से देख रहा था कि फारूक सर बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेंट कर रहे हैं आपके को करिकुलम एक्टिविटीज़ हो चाहे कुछ भी, आप मानते हो उस चीज़ को। तो आज मैं फारूक सर को यहाँ पर हम ऑनर करेंगे। फारूक सर प्लीज। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छोटा सा हम 100 रुपया आज फारूक सर को इनाम देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमारा जो हमारा काम ही है बच्चों के लिए, हमारी ड्यूटी है, हम आए यहाँ पर बच्चों के लिए। तो इससे क्या होता है कि आपको क्या रियल में फील आ रहा था ना। तो मुझे जब हम नीचे उतरे, शाही सर भी कह रहे थे कि आज कुछ अलग ही नज़ारा।